हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने चेकबॉक्स के अंदर एक ऑल सेलेक्ट चेकबॉक्स लगाएं। एंड वो क्या करेगा, सिंपली आपके सभी चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर अनसेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो आप, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सभी चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर देता है। अगर मैं इसे अनचेक करता हूँ तो ये सभी को अनचेक कर देता है। दिस इज द वर्किंग विच वी वॉन्ट टू अचीव। एंड अगर मैं किसी एक को यहाँ पे अनचेक करता हूँ तो अगेन ऑल सेलेक्ट को अनचेक करता है। अगर मैं इसे चेक कर देता हूँ तो फिर से ऑल सेलेक्ट को चेक कर देता है। दिस इज परफेक्ट वर्किंग ऑफ ऑल सेलेक्ट चेकबॉक्स। ठीक है, चलते अपने कोड के अंदर। मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ सभी फंक्शनैलिटी को एंड सिंपल सा यूआई में रखूंगा। सो लेट मी डू दिस नाउ। यू कैन सी हियर कि हमारे पास सिंपली एक चेकबॉक्स है ऑल सेलेक्ट एंड एक बॉक्स है यूजर नेम, बट ये दोनों वर्क नहीं कर रहा है एज एक्सपेक्टेड। यू कैन सी हियर, मैं क्लिक करता हूँ सेलेक्ट पे तो सभी चीज़ें सेलेक्ट नहीं हो रहे एंड अनसेलेक्ट नहीं हो रहे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल सा क्या क्या फंडा है जो आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा टू अचीव दिस फंक्शनैलिटी जो हमने आपको पहले एग्जाम्पल में दिखाया। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या है, अब एक जिस यू आई है, एक कंपोनेंट ऐप कंपोनेंट, एंड जिसके अंदर हमारे पास सिंपल सा एक ऑल सेलेक्ट वाला चेकबॉक्स है एंड एक यूजर नेम वाला चेकबॉक्स है। अगर मैं एक कॉल क्रिएट करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ये हमारा स्टैटिक वर्किंग है। बट आपकी रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि आपकी API से वो सभी लिस्ट आ रही है जिसको आपको सेलेक्ट या फिर अनसेलेक्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम वो भी देखते हैं सिनेरियो की। हमारे पास सबसे पहले एक स्टेट क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट, इसका नाम रखता हूँ मैं यूजर स्टेट एंड सेट यूजर्स। एंड सिंपली ये क्या होगा, बेसिकली एक हमारे पास यूज स्टेट होगा एंड यूज स्टेट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो दिस इज द यूज स्टेट एंड उसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू दैट इज एम्प्टी एरे। नाउ हमारे पास API को कॉल करने के लिए एक और फंक्शन, हमें एक और हुक यूज़ करना पड़ता है, नॉट फंक्शन, दैट इज यूज इफेक्ट। तो यहाँ पे कॉल करने वाला हूँ यूज इफेक्ट, जो कि हमारे पास अगेन रिएक्ट के पास अवेलेबल है, रिएक्ट यूज इफेक्ट, जिसके अंदर हम एक एरो फंक्शन कॉल करते हैं एंड कुछ डिपेंडेंसी यहाँ पे हम देते हैं उसको। ये डिपेंडेंसी ये कहता है कि कब कब इस यूज इफेक्ट को कॉल करना है। तो फर्स्ट टाइम ये कॉल करता है एवरी लाइक रिरेंडर, जब हमारी रिरेंडर होती है ना उसके बाद ये फर्स्ट टाइम कॉल करता है। अगर इसके अंदर कुछ वैल्यू पास करते हैं, कुछ स्टेट की वैल्यू, उसके चेंज होने के बाद भी इसे कॉल कर सकते हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ API कॉल को करना है फर्स्ट टाइम। ये हमारा एक बेस्ट वे है कि हम सिंपली यहाँ पे एक एम्प्टी एरे पास कर दें। राइट नाउ इसके अंदर हम सिंपली सेट करेंगे कौन सी वैल्यू स्टेट के अंदर जो भी हमारी API की रिस्पॉन्स होगी। अब वो कहाँ से आएगी, तो आप सिंपली कर सकते हो XCS की हेल्प से XCS.get, या फिर फेच कर सकते हो कुछ URL को एंड वो कुछ रिस्पॉन्स देगा एंड उस रिस्पॉन्स के बाद आपके पास कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स की ऑब्जेक्ट आएगी। इसमें आपके पास एक वैल्यू होगी दैट इज रिस्पॉन्स डॉट डेटा। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली API को कॉल नहीं कर रहे हैं, हमारे पास एक ऑलरेडी स्टैटिक वैल्यू दैट इज यूजर डेटा जो ऑलरेडी अवेलेबल है आउटसाइड दिस कंपोनेंट, उसे मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ। नाउ जब हमारे पास स्टेट की वैल्यू आ जाती है और वो अगर एरे टाइप की होती है या ऑब्जेक्ट टाइप की, तो उसको हम मैथ फंक्शन की हेल्प से कॉल कर सकते हैं एंड वो इटरेट करेगा उसके सभी इंडेक्स के लिए, लाइक फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स एंड एंड नंबर ऑफ इंडेक्स। जितनी भी उसकी लेंथ होगी उतनी बार उस मैथ फंक्शन को कॉल करेगा। तो सिंपली अभी कॉल करने वाला हूँ यूजर्स, जो हमारे पास वैल्यू डॉट मैप एंड मैप के अंदर हमारे पास क्या होगा यूजर, एंड सभी यूजर के लिए हम कहता हूँ कि इसको एक चेकबॉक्स क्रिएट करें। जो पहले स्टैटिक था उसको मैं चाहता हूँ अब डायनेमिक बनाना। लेट मी पेस्ट दिस वन, एंड जो हमारे ये दो स्टैटिक वाली चेकबॉक्स है उसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। तो हमारे यहाँ पे जो एरे थी उसके अंदर सिंपली हमारे पास स्टेट में चार वैल्यू हैं, तो यहाँ पे चार यूजर नेम इनपुट आ चुकी है। अगेन मैं इसमें एक और वैल्यू अगर ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल ऐड करता हूँ राहुल, तो नेम इज इक्वल टू राहुल एंड हियर वी गो। इसमें इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास पाँच यूजर नेम आ जाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो यूजर की नेम है वो बेसिकली जो नेम हमारी API से आ रही है वो होनी चाहिए। तो सिंपली यूजर डॉट नेम को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं एज अ लेबल, जो हमारी लेबल होगी। तो जीवन, मनीष, प्रिंस, आरती, राहुल, जो भी हमारे API से रिस्पॉन्स आ रही है वो वैल्यू यहाँ पे एज अ चेकबॉक्स वर्क कर रही है। नाउ इसकी स्टेट जो मेंटेन हो रही है वो मेंटेन हो रही है जैसे एक HTML की हेल्प से जो ब्राउजर में हो रही है, बट इसे हम कन्वर्ट करेंगे टू मेंटेन द स्टेट ऑफ ऑल द इनपुट्स इनसाइड आवर कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कंट्रोल कंपोनेंट। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास स्टेट ऑलरेडी अवेलेबल ही है। मैं क्या करूँगा, इसको एक प्रॉपर्टी दे दूंगा नेम प्रॉपर्टी इस इनपुट बॉक्स को, जो यूजर की इनपुट को सिलेक्ट करेगा दैट इज चेकबॉक्स इनपुट, एंड मैं इसे पास कर दूंगा यूजर डे नेम। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करूँगा, एक इवेंट दूंगा ऑन चेंज इवेंट, जिसको ट्रिक कॉल करने पे ये ट्रिगर करेगा एक फंक्शन को दैट इज आवर हैंडल चेंज। राइट, जो हमारे हैंडल चेंज है वो डिफाइंड नहीं है, इसको हम सिंपली डिफाइन करेंगे आउटसाइड दिस रिटर्न फंक्शन। तो मैं सिंपली करूँगा यहाँ पे दिस हैंडल चेंज एंड रिटर्न स्टेटमेंट के ऊपर मैं इस हैंडल चेंज को डिफाइन करूँगा। ठीक है, तो कॉन्स्ट हैंडल चेंज एंड ये हमारे पास एक एरो फंक्शन है बेसिकली, और इसकी जो आर्गुमेंट होगी वो इवेंट होगी एंड देन मैं इसे कॉल कर देता हूँ यहाँ पे हियर वी गो।
ना अब जो हमारे इवेंट आती है उसमें से हमारे पास जो भी नेम एट्रीब्यूट है या फिर जो हमारी वैल्यू एट्रीब्यूट है उससे हम गेट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ इवेंट डॉट टारगेट। तो एक ऑब्जेक्ट होता है इवेंट डॉट टारगेट, मैं फिर क्या करता हूँ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करता हूँ एंड मैं अपने नेम गेट कर लेता हूँ एंड सेक्ट गेट कर लेता हूँ। जो हमारे पास बेसिकली चेकबॉक्स वाली वैल्यू होती है इनपुट बॉक्स, वो क्या होता है सिंपली रिटर्न करता है चेक्ड वाली प्रॉपर्टी, ना कि वैल्यू वाली जो हमारे टेक्स्ट वगैरह में होता है। एंड मैं कहूँगा सिंपली यहाँ पे ई डॉट टारगेट, ठीक है हमारे पास ये चेक्ड वाली वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। अगेन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास ये अब यूजर वाली जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे स्टेट के अंदर स्टोर करेंगे। कैसे करेंगे, तो अब हम यहाँ पे सिंपली क्रिएट कर लेते हैं लेट टेम्प यूजर, जो हमारे पास टेम्प यूजर होगा एंड टेम्प यूजर एक बेसिकली एरे होगा जो रिटर्न होगी हमारे मैप फंक्शन से। अब यहाँ पे मैप फंक्शन की जरूरत क्या पड़ेगी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल स्टेट है, जो करंट स्टेट है, यूजर्स डॉट मैप करता हूँ एंड जो भी हमारे पास इस मैप के अंदर वैल्यू है अगर किसी एक पे क्लिक होगी, फॉर एग्जांपल नेम जीवन वाले पे क्लिक हो या फिर मनीष पे क्लिक हो या प्रिंस पे क्लिक हो, अगर उस पर क्लिक होगी तो उस पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर मैं एक नई नई प्रॉपर्टी दूंगा, दैट इज चेक प्रॉपर्टी, दैट इज चेक्ड प्रॉपर्टी, जो कि एदर ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है वो प्रॉपर्टी हम इसको ऐड करेंगे राइट। तो इसमें मैप करते हैं एंड मैप में आर्गूमेंट अगेन एक फंक्शन होगी यूजर वाली एंड इस यूजर के अंदर हमारे पास यूजर डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। ये क्या करेगा बेसिकली बताएगा कि कौन सी इनपुट को मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, जीवन को क्लिक कर रहा हूँ या मनीष को क्लिक कर रहा हूँ या प्रिंस को क्लिक कर रहा हूँ। अगर सपोज मैं जीवन को क्लिक कर रहा हूँ सिर्फ जीवन की ऑब्जेक्ट को अपडेट करो, क्रिएट करता हूँ यूजर एंड मैं ऐड करता हूँ एक न्यू प्रॉपर्टी डेट इज चेक्ड एंड वैल्यू क्या होगी उसकी चेक्ड वाली वैल्यू जो कि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है कितने घंटे के बाद ये हमारा काम कर लेगा। बट एक प्रॉब्लम ये है कि मैप कर रहा हूँ मैं इसे और जो हमारी अगर कोई वैल्यू मैच नहीं करती, फॉर एग्जाम्पल मैंने जीवन पे क्लिक किया तो मनीष प्रिंस आरती राहुल वाली चीज़ मैच नहीं कर रही है, उसके नेम मैच नहीं कर रही है। अगर ऐसा होता है दैट इज़ इफ़ इट इज़ नॉट देयर देन सिंपली आप यूज़र को रिटर्न कर दो एंड हमारे पास नया एक एरे आ जाएगा जिसको हम सेट करेंगे इनसाइड आवर स्टेट। सो सेट यूजर्स इज टेम्प यूजर एंड इतना करने के बाद लेट मी रिफ्रेश दिस पेज एंड यू कैन सी हियर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जीवन यहाँ पे क्लिक हो रहा है। बट अगेन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हम इस चेक्ड वाली वैल्यू को यहाँ पे असाइन नहीं कर रहे हैं। तो लेट मी एड दिस वन चेक्ड इज इक्वल टू देयर एंड सिंपली यूजर के अंदर हमारे पास अगर इज चेक्ड वाली प्रॉपर्टी है तो वो वैल्यू आए, अदरवाइज फॉल्स होगा मतलब वो चेक्ड नहीं है। ये कब काम करेगा, जब फर्स्ट टाइम हमारे पास AWS रिस्पॉन्स आ रही है तो उसमें इज चेक वाली एट्रीब्यूट या फिर ई एन वैल्यू नहीं है, अगर वो नहीं अवेलेबल होगा तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा अनचेक होगा। ये मैं इसे बता रहा हूँ, ठीक है ओके। ये चीज़ हमारा अभी यहाँ पे काम करने लगा। लेट मी रिफ्रेश दिस वन एंड सेलेक्ट जीवन मनीष और जो भी हमारे पास सेक्स सेलेक्ट होगी लाइक मनीष और प्रिंस और आरती और राहुल, वो सब यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे राइट। बट यहाँ पे ये चीज़ काम नहीं कर रहा है, अब हमारा जो ऑल सेलेक्ट वाला है वो यहाँ पे अभी काम नहीं कर रहा है, उसकी हम फंक्शनैलिटी को ऐड करने वाले हैं। तो हम सेम फंक्शन को कॉल करेंगे जो हमारा फंक्शन यहाँ पे ऑन चेंज है, हैंडल चेंज वाला, वही फंक्शन हम इसको भी कॉल करेंगे जो ऑल सेलेक्ट पे कॉल करेगा। लाइक उस पर हम अगर ऑन चेंज वाले इवेंट को ट्रिगर करने के बाद सेम फंक्शन को कॉल करेंगे, मैं कोई नया फंक्शन यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके लिए मैं एक नेम प्रॉपर्टी भी इसको भी ऐड कर दूंगा इस इनपुट बॉक्स को जो हमारा होगा ऑल सेलेक्ट। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ लेट मी शो यू वेट अ सेकंड। फिर भी मैंने क्या कर दिया, नेम प्रॉपर्टी ऑल सेलेक्ट कर दिया। सो अब सेम फंक्शन तो है बट इसे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि यूज़र वाला चेकबॉक्स पे क्लिक हो रहा है या फिर सेलेक्ट ऑल सेलेक्ट वाले चेकबॉक्स पे क्लिक हो रहा है। उसके लिए हमारे पास यू गेस इट राइट कि हमारे पास एक नेम वैल्यू आ रही है। तो इफ़ नेम इज़ इक्वल टू ऑल सेलेक्ट जो कि हमारी स्टैटिक वैल्यू है ऑल सेलेक्ट के लिए, अगर वो हो जाए देन यू कैन कॉल वर्किंग ऑफ ऑल सेलेक्ट चेकबॉक्स, अदरवाइज एल्स यू हैव टू कॉल जो हमारी यूजर को सेलेक्ट करने वाली चेकबॉक्स है उसकी फंक्शनैलिटी को, ठीक है ओके। तो हम क्या करेंगे सिंपली जब हमारी चेक पे है या फिर अनचेक पे कॉल होगा तो इस सभी ऑब्जेक्ट के जो आइटम है जो सभी यूजर है उस सबको या तो सेलेक्ट करना है फिर अनसेलेक्ट करना है, वो कैसे करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है अगेन लेट टेम्प यूजर इज इक्वल टू देयर व्हाट विल बी देयर यूजर्स जो हमारे पास करंट स्टेट है उसको मैप करना है एंड उसके मैप करने के बाद जो हमारे पास यूजर आएंगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो हमारा यूजर वाला था उसमें चेक कर रहे थे कि यूजर नेम इज इक्वल टू नेम और नॉट, बट हमारे ऑल सेलेक्ट की कंडीशन में मुझे नेम चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अब जो भी यूजर है सबको हमें या तो सेलेक्ट करना है या फिर अनसेलेक्ट करना है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होगा। एंड यहाँ पे सिंपली क्या होगा, एक एरो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कर्ली ब्रेसेस एंड रिटर्न कर रहा हूँ एक न्यू ऑब्जेक्ट। सो रिटर्न न्यू ऑब्जेक्ट एंड न्यू ऑब्जेक्ट में क्या होगा बेसिकली स्प्रेड कर रहा हूँ यूजर को जो इसकी
ऑब्जेक्ट है वो, एंड उसके ऑब्जेक्ट के अंदर एक नई प्रॉपर्टी ऐड कर दो, अगर अवेलेबल है तो उसे अपडेट कर दो, अगर नहीं है तो उसे ऐड कर दो. दैट इज चेक्ड इज इक्वल टू व्हाट, चेक्ड वाली वैल्यू. अभी चेक्ड वाली वैल्यू क्या है, ये चेक्ड. तो अब जो भी हमारी ऑल सेलेक्ट की चेक्ड वाली प्रॉपर्टी होगी वही सबको ऐड हो जाएगी जितने भी यूजर्स हैं वहाँ पे. जैसे मैं ऑल सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो इस सबको यहाँ पे क्लिक हो जाना चाहिए. बट एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो टेम्प यूजर है उसको मैं स्टेट में अपडेट नहीं कर रहा हूँ. लेट मी डू दिस, सेट यूजर इज इक्वल टू टेम्प यूजर, जो एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे जनरेट हुआ. लेट मी रिफ्रेश द पेज एंड लेट मी सेलेक्ट ऑल सेलेक्ट एंड यू कैन सी हियर एवरीथिंग इज सेलेक्टेड. लेट मी अनचेक्ड एंड एवरीथिंग इज अनचेक्ड. बट अभी एक और प्रॉब्लम है जो कि आप ऑब्जर्व करोगे, दैट इज अगर मैं किसी एक को अनचेक करता हूँ तो फिर भी ये ऑल सेलेक्ट चेक्ड ही रहता है. दैट इज नॉट करेक्ट. अगर कोई एक अनचेक है तो ये अनचेक्ड होना चाहिए. वो कैसे करेंगे हम सिंपली, तो जो हमारा ऑल सेलेक्ट वाला इनपुट है उसमें एक प्रॉपर्टी हम ऐड करेंगे, दैट इज चेक्ड प्रॉपर्टी. और चेक प्रॉपर्टी में कब ये चेक होगा, कब अनचेक होगा, तो चेक ये तब होगा जब सभी यूजर चेक होंगे. अगर सभी यूजर चेक्ड हैं तब जाके ये ऑल सेलेक्ट चेक होना चाहिए. अगर कोई भी एक अनचेक है तो ये हमारा अनचेक होना चाहिए. तो सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, एक फंडा लगाता हूँ यहाँ पे. जितने भी हमारे पास यूजर्स करंट स्टेट के अंदर अवेलेबल है, दैट इज यूजर्स स्टेट के अंदर मैप कर लेता हूँ, और नॉट मैप, मैं यहाँ पे फिल्टर कर लेता हूँ जो हमारा आसान करेगा इस काम को. सो फिल्टर जितने भी हमारे पास आइटम है, दैट इज आवर यूज़र, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं यूज़र, एंड उस यूज़र के अंदर जिसके पास भी, यूजर के अंदर जिसके पास भी डॉट इज चेक्ड वाली वैल्यू है एंड वो वैल्यू नॉट इक्वल टू ट्रू है. अगर ये ऐसा होता है कि अगर जो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारे लिस्ट है इसके अंदर जो भी यूजर्स हैं उसमें से किसी भी वैल्यू की जो वैल्यू है इज नॉट इक्वल टू ट्रू, मतलब कोई भी एक ऐसा इज चेक्ड ऑब्जेक्ट उसमें इज चेक्ड वाली वैल्यू होगी एंड अगर वो ट्रू नहीं होगी, अगर वो फॉल्स होगी या फिर नहीं कुछ वैल्यू ही नहीं होगी लेकिन नन होगी. फॉर एग्जाम्पल ये जिसमें इस देख सकते हो आप मनी, इसमें कुछ वैल्यू है ही नहीं और इसमें ये फॉल्स है, तब जाके क्या करेगा, सिंपली रिटर्न करेगा दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन दिस न्यू एरे, जो हमारे न्यू एरे यहाँ पे जनरेट करेगा. तो फिल्टर भी क्या करता है, बेसिकली फिल्टर इज ऑल्सो जनरेटिंग सम पर्टिकुलर एरे. अगर उसके अंदर कोई भी एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट अगर कोई भी एक एलिमेंट उसके अंदर फाइंड हो जाता है, मतलब उसकी जो एरे की लेंथ है, जो न्यू एरे जनरेट होगी उसकी अगर लेंथ जो है बेसिकली वो अगर वन से फॉर एग्जाम्पल इज ग्रेटर देन जीरो, तब जाके इसे हम सेलेक्ट एंड चेक करेंगे. इट्स नॉट लाइक ग्रेटर देन जीरो, मैं इसे गलती कर रहा हूँ. अगर इज नॉट ट्रू एंड वो लेस देन वन होगा तब जाके उसे चेक्ड करना है, अदरवाइज उसे अनचेक करना है. एंड हियर वी गो, और सेलेक्ट अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सबको सेलेक्ट कर दिया. किसी एक को मैं अगर यहाँ पे अनचेक करूँगा वो यहाँ पे अनचेक होना चाहिए. एंड यू कैन सी हियर वो अनचेक हो चुका. क्यों हुआ कि अब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ पे वन हो जाएगी जो कि नॉट लेस देन वन है. तब जाके ये क्या हो जाएगा, अनचेक हो जाएगा. दैट मीन्स कि तभी चेक होगा जब इसकी लेंथ शुड बी लेस देन वन, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट हैं एरे के अंदर उसमें से किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी इज चेक्ड फॉल्स नहीं होनी चाहिए, सबकी वैल्यू इज चेक्ड ट्रू होना चाहिए, तभी जाके ये ट्रू होगा, जो हमारे सिंपल सा एक लॉजिक था. आई नो मैं इसे आपको कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ समझाने में, बट आई नो कि आप समझ चुके होंगे क्या मैं समझाना चाहता हूँ. लेट मी अनचेक दिस ऑल. मैं यहाँ पे वन बाय वन सेलेक्ट कर रहा हूँ, मनीष, प्रिंस, आरती एंड राहुल, फिर भी यहाँ पे ऑल सेलेक्ट चेक हो चुका है. ये हमारा सिंपल सा जो हमारा आउटपुट हमें अचीव करना था वो हम यहाँ पे अचीव कर लिए. यू कैन सी हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपल एक स्टेट क्रिएट किया एंड स्टेट में वैल्यू पास की. एक हमारे पास फंक्शन था जो हैंडल चेंज वाला फंक्शन था, एंड सिंपली हैंडल चेंज के कॉल करने पे हम क्या कर रहे थे कि चेक्ड कर रहे थे. अगर मैं यूज़र पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ पर्टिकुलर यूज़र को अपडेट कर रहा था, अगर मैं ऑल सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मैं सभी वैल्यू को या तो चेक कर रहा था या अनचेक कर रहा था. तो ये हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट थी जो हम यहाँ पे अचीव कर लिए हैं. एंड अगेन एक बात कहूँगा, अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना अगर आपको कुछ सजेशन देना है मुझे. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, बाय बाय.